नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ASP इन्फो हब में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना नाम अपने स्टेट की वोटर लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपना नाम इलेक्शन डिपार्टमेंट में फॉर्म नंबर 6 भर के जमा कराया हुआ है तो आपका नाम उस स्टेट की वोटर लिस्ट में जरूर होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना नाम कैसे वोटर लिस्ट में देख सकते हैं अपने स्टेट की। दोस्तों, इसके लिए आपको google.com ओपन करना है। google.com जैसे कि मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे इलेक्शन डिपार्टमेंट। इलेक्शन डिपार्टमेंट मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यूपी सर्च कर लीजिए, इलेक्शन डिपार्टमेंट यूपी। ये देखिए दोस्तों, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट आ गई है। अगर मान लीजिए आप हरियाणा के हैं तो आप सर्च कीजिए हरियाणा, और उसके बाद जो पहला लिंक है ये हरियाणा की इलेक्शन डिपार्टमेंट का है। इसके अगर आप सर्च करना चाहते हैं मध्य प्रदेश तो लिख दीजिए MP। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के इलेक्शन डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आप पंजाब से हैं तो यहाँ लिख दीजिए पंजाब, तो पंजाब के इलेक्शन डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस तरह किसी भी स्टेट के इलेक्शन डिपार्टमेंट की वेबसाइट का पता कर सकते हैं। और मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि आप वोटर लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हैं अपने स्टेट की। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट खुल चुकी है। अब इसमें आपको सर्च करना है, आपको देखना है कि इलेक्ट्रोल PDF में आप जाएंगे तब आपको वोटर लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों, यहाँ सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोल PDF। अब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर की वोटर लिस्ट के बारे में। मैंने डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद अकाउंट धनघटा पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद शो पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ गांव के नाम आ गए हैं और साथ के साथ ही यानी पोलिंग नेम आ गया है। पोलिंग नेम दोस्तों ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, आप जिस गांव के होते हैं उसी गांव में आपको वोट देना होता है, उसी गांव के स्कूल में। ज्यादातर दोस्तों स्कूलों में ही पोलिंग स्टेशन बनते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख के अपना गांव सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं सुखरी का दिखा रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करेंगे इलेक्ट्रोल PDF पर। दोस्तों, आप कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद व्यू और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद PDF में वोटर लिस्ट खुल जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, PDF में वोटर लिस्ट खुल चुकी है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो भी कोई यहाँ का होगा उसको अपना नाम यहाँ पर दिख जाएगा। अगर उसने फॉर्म नंबर 6 फिल किया होगा तब उसका नाम यहाँ दिख जाएगा। दोस्तों, इस तरह अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, पंजाब का ही देखना है तो जैसे कि पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है पंजाब और इलेक्ट्रोल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी इलेक्ट्रोल लिखा हुआ है, आपने इलेक्ट्रोल पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रोल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोल डिटेल ऑफ फाइनल रोल्स। देखिए दोस्तों, इन्हीं में से किसी पे होगा, मैं फिलहाल फोटो इलेक्ट्रोल पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैप खुल गया है, यानी मैप में क्लिक करना होगा हमें। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको मान लीजिए अमृतसर का ही दिखाना चाहता हूँ तो अमृतसर वाले मैप पर क्लिक कर दूंगा। ये दोस्तों अमृतसर का आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद अकाउंट होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं इसके बाद जंडियाला पर क्लिक कर देता हूँ।
झंडियाला पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों ये पूरा खुल चुका है। अब यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोल पीडीएफ। देखिए दोस्तों आप किसी भी स्टेट की वोटर लिस्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रोल पीडीएफ में जरूर होगा। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए दोस्तों ये सभी लिस्ट आ चुकी है। अब इनमें से पोलिंग स्टेशन वाइज आ चुका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ ओपन होगा कैप्चा भरने के बाद। कैप्चा भरने के बाद आप टिक पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी पीडीएफ लोड हो रही है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि पंजाब के इस पोलिंग स्टेशन का माखन विंडी पोलिंग स्टेशन का सबकी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है। देखिए दोस्तों सभी जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है सभी का नाम दिख रहा है। दोस्तों इस तरह आप किसी भी स्टेट की वोटर लिस्ट आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियो का अलर्ट आपके पास पहुंच सके जल्द से जल्द। धन्यवाद दोस्तों।